हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। देखिए, आज जो मैं टॉपिक पर आपसे बात करने वाला हूँ वो आप लोग का बहुत डिमांड पर बेस्ड टॉपिक है। वो ये है, जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया तो बेसिकली स्टार्टिंग में मैंने इंग्लिश मीडियम के ही वीडियो बनाए, इसलिए आप लोग को बहुत से जो वीडियो स्टार्टिंग में मिले हैं सब इंग्लिश मीडियम के हैं। और ये बात मैंने डिस्कस किया, कई वीडियो में भी डिस्कस किया कि फिजिक्स समझने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, 10th क्लास के बाद जब हम 11th क्लास में जाते हैं, 5 मिनट में आपसे डिस्कस कर लूँ फिर मैं टॉपिक पर बात करूँगा, कि जब 10th क्लास पास करने के बाद जब हम 11th क्लास में आते हैं तो 11th क्लास में हमको फिजिक्स एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना होता है। और फिर हम यहाँ दो फैकल्टी के स्टूडेंट्स होते हैं, एक मैथमेटिक्स स्ट्रीम के और एक बायोलॉजी के, दोनों एक साथ फिजिक्स को पढ़ते हैं। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैथमेटिक्स बहुत एडवांस रूप में काम आता है, इसीलिए हम 11th क्लास में फिजिक्स पढ़ने से पहले बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, या हिंदी में मैं कहूँ तो मूलभूत गणितीय अवधारणा को सबसे पहले पढ़ते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, NCERT की बुक में नहीं दिया रहता, बहुत से राइटर्स भी नहीं लिखते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी, ये सिलेबस में भी नहीं होता, सिलेबस हमारा स्टार्ट होता है भौतिक जगत से, लेकिन ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे किसी व्हीकल के लिए फ्यूल्स, पेट्रोल या डीजल। सपोज मेरे पास बहुत महंगी कार है लेकिन मेरे पास पेट्रोल नहीं है या डीजल नहीं है तो वो कार कोई काम का नहीं है। एग्जैक्टली उसी तरह से यदि हमारे पास फिजिक्स पढ़ना है और मैथमेटिक्स का हमारे पास फ्यूल्स नहीं है, मैथमेटिक्स रूपी पेट्रोल या डीजल नहीं है, तो फिजिक्स मूव नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा। जैसे कार खड़ी रहेगी बिना पेट्रोल के, वैसे फिजिक्स भी खड़ा रहेगा बिना मैथमेटिक्स के। ये इतने डिस्कशन से आप इम्पॉर्टेंट समझ गए होंगे, इसलिए मैंने जब अपना चैनल स्टार्ट किया तो सबसे पहले मेरा जो फर्स्ट वीडियो है वो है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, क्योंकि मेरे को इतना लॉन्ग एक्सपीरियंस है टीचिंग का, मैं जानता हूँ कि जब मैं फिजिक्स स्टार्ट करूँगा तो फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले मुझे अपने स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स स्ट्रांग करने होंगे। तो मैंने 5 वीडियो बनाए मैथमेटिकल टूल्स पर। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम किस बात का है कि मेरे चैनल में बहुत से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं हिंदी मीडियम का अलग से वीडियो बनाता हूँ फिजिक्स का, और इंग्लिश मीडियम का अलग वीडियो बनाता हूँ। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बार बार हर वीडियो में सजेस्ट करता हूँ, कहीं अवकलन करता हूँ, समाकलन करता हूँ, तो बार बार बोलता हूँ मैथमेटिकल टूल्स में देखना। नेचुरली आप लोग उस वीडियो को देखते होंगे तो लैंग्वेज के कारण आपको प्रॉब्लम आता होगा, क्योंकि उसको मैंने प्योर इंग्लिश मीडियम में बनाया है, वहाँ पर मैंने हिंदी टर्म यूज़ किया ही नहीं, क्योंकि तब मेरा टारगेट ही नहीं था कि मैं हिंदी के लिए भी वीडियो बनाऊंगा। मैं सही बता रहा हूँ आपको, ओनली इंग्लिश मीडियम के लिए ही मैंने टारगेट किया था। लेकिन आज के कंडीशन पर मुझे बहुत ज़रूरी हो गया है और बहुत से स्टूडेंट्स का डिमांड भी है कि सर प्लीज़ उसको बना दो। स्टार्टिंग से ही मैं बहुत से स्टूडेंट्स का, तो आज मैंने फाइनल डिसीजन लिया है कि एक बार फिर मैं पीछे जाके आप लोग के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए, मतलब मेरे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, मैं फिर फिजिक्स को स्ट्रांग करने का जो हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है मैथमेटिक्स, उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इसको भी मैं उसी इंग्लिश मीडियम की तरह 5 सीरीज में आपको पढ़ाऊँगा, ताकि मेरे स्टूडेंट्स जो 11th में हैं या इवन 12th क्लास में भी पहुँच गए हैं और उनका मैथमेटिक्स का पोर्शन पुअर है, उनको मेरे फिजिक्स समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अभी मैं कंटिन्यूअस आपको 5 वीडियो गणितीय अवधारणा पढ़ दूंगा और एक बार मैं उसे डिस्कस करूँ। देखिए, तो आज का मेरा जो टॉपिक है मूलभूत गणितीय अवधारणा, जिसमें मैं 5 मैथमेटिक्स पर बात करूँगा, एक बार मैं जनरल डिस्कस कर लूँ आपसे। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा बीजगणित, दैट मीन्स एलजेब्रा। सेकंड नंबर में मैं आपको पढ़ाऊँगा त्रिकोणमिति, ये जो है वो मैं अभी लिख लूँ फिर आपको मैं डिस्कस करता हूँ, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। तीसरे नंबर में आपको पढ़ाऊँगा मैं सदिश बीजगणित, सदिश बीजगणित, वेक्टर एलजेब्रा। और फोर्थ नंबर में पढ़ाऊंगा कलन, कैलकुलस,
जिसमें दो पढ़ेंगे अवकलन और समाकलन, और फिफ्थ नंबर में पढ़ाऊंगा आपको मैं ज्यामिति जियोमेट्री। ये तो अभी हमारा यही 5 टॉपिक चलेगा और ये बहुत ज़रूरी है। मेरे सभी स्टूडेंट्स को मेरा सजेशन है कि अभी पूरा ध्यान, आप चाहे आप 11th क्लास में हो चाहे 12th क्लास में, ये दोनों के लिए है, क्योंकि फिजिक्स समझने के लिए यही हथियार है हमारे पास। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैथमेटिकल टूल्स। टूल्स माने औजार। आप इमेजिन करो कि मैं बहुत अच्छा इंजीनियर हूँ, मैं IITian हूँ, लेकिन सपोज मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स को सुधारने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए कोई मेरे पास टूल्स नहीं है, मेरे पास पेचकस नहीं है, स्क्रू ड्राइवर नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे पास, और मेरे को किसी डिवाइस को इवन खोलना है, खुलते ही मैं उसको बना लूँगा, लेकिन मैं तो डिवाइस को खोल ही नहीं पा रहा हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि ये टूल्स जो हैं, ये यदि हमारे पास ना हो तो हम फिजिक्स में कुछ भी नहीं कर सकते, फिजिक्स में कुछ भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात, यदि ये हमारा स्ट्रांग हो तो हम क्या है, फिजिक्स में कुछ भी कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल्स में जिन स्टूडेंट्स लोग को प्रॉब्लम आता है, या फार्मूला डेरिवेशन में जिनको प्रॉब्लम आता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ये पुअर होता है। इसलिए मैं हमेशा अपने क्लास में यहीं से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। लेकिन ये एक इत्तेफाक था कि मैं इंग्लिश मीडियम में बनाया और फिर आप लोग हिंदी में वीडियो में नहीं बनाया, मैं समझता वहाँ से समझ लोगे। लेकिन फिर मैं बहुत बार उस बात को खुद से सोचा कि सदिश बीजगणित कैलकुलस के आप टर्म इंग्लिश में प्योर समझने में दिक्कत तो होता होगा। चलिए ठीक है, अब हम इसको फिर स्ट्रांग करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको क्या क्या कैसे पढ़ाऊंगा थोड़ा बता दूँ, पूरे 5 वीडियो के बारे में, 5 टॉपिक के बारे में, हो सकता है 6 भी हो जाए यदि कोई टॉपिक ज़्यादा चला जाए। तो ये दो मैथमेटिक्स आप लोग पढ़े हुए हैं 9th क्लास में और 10th क्लास में, और ये जो 3 मैथमेटिक्स हैं ये भी आप पढ़े हुए हैं 5th नंबर ज्यामिति, लेकिन जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ वो नहीं पढ़े हुए हैं। ये आपके लिए क्या है, नया है, न्यू है। यहाँ पर भी बहुत सारे न्यू टॉपिक हैं, फिर भी पढ़े हुए तो हैं पहले से। तो यहाँ पर हम 9th और 10th में पढ़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जो न्यू मैथमेटिक्स आपको यूज़ होगा वो ये दोनों, सदिश बीजगणित और कैलकुलस। हर जगह यदिश राशि है, सदिश राशि है, सदिश का गुणा, सदिश का जोड़ना, सदिश के हमेशा काम आते रहता है। और कैलकुलस तो आप देख रहे हो, बहुत से वीडियो आप मेरे देख चुके, कहीं भी DDx, कहीं भी इंटीग्रेशन, इसके बिना फिजिक्स में काम ही नहीं चलता। तो ये दोनों बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए, स्ट्रांग तो सब होने चाहिए लेकिन ये बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो मैं आज यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ बीजगणित से, और जो जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, जो जो टास्क दूंगा, उसको आप कंप्लीट करेंगे। इसका मैं PDF प्रोवाइड नहीं कराऊंगा आपको, क्यों, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, इसको तो मैं अपने मन से पढ़ा दूंगा, बहुत ब्रॉड है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर आप मेरे बोर्ड से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसे आप नोट्स बना लेंगे, या फिर आप उसको समझने के बाद बार बार वीडियो को देख के आप उसको रिविज़न वीडियो से ही कर सकते हैं, नोट्स नहीं भी बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी आपको लगता है कि मेरा मैथमेटिकल टूल्स पुअर हो गया, तुरंत आप प्लेलिस्ट में गए और मैथमेटिकल टूल्स के वीडियो का कभी कैलकुलस देख लिए, कभी अलजेब्रा देख लिए, कभी डाउनलोड करके रख लिए, ऐसा पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल कैसी बात है बताऊँ आपको, कि मैंने अपने गाड़ी को फुल टैंक कराया, पूरी गाड़ी को मैंने फुल टैंक करा लिया, डीजल डलवा लिया, और अब मैं घूम रहा हूँ, उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि फ्यूल्स ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, तो क्या करते हैं अपन, पेट्रोल टंकी में जाके भरवाते हैं। बिल्कुल मैथमेटिकल टूल्स को स्टूडेंट को इसी तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि भाई मैं बहुत दिन से कैलकुलस रिवाइज नहीं किया हूँ, अब कैलकुलस में भूलने की स्थिति में आ गया, तो बिना किसी के कहे, जैसे आपको गाड़ी में फ्यूल्स डलवाने के लिए कोई पड़ोसी नहीं बोलता कि जा भाई फ्यूल्स डलवा के आ जा, आपको पता चल जाता है कि मुझे फ्यूल्स डलवाना चाहिए, आपको अपने बाइक में फ्यूल्स डलवाना है तो कोई बताता नहीं, वैसी आपको मैथमेटिकल टूल्स को कोई बताएगा नहीं, मैं भी नहीं बताऊंगा, आपको लगेगा कि आज तो सर यहाँ DDx किया, मेरे से DDx नहीं बन रहा है, तुरंत सारा काम छोड़ के आप डिफ्रेंसिएशन का रिविज़न कर लो। देखिए जितना एक्सपीरियंस के साथ जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, यदि उन चीज़ों को आप फॉलो करना स्टार्ट किए, तो बहुत से स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करते हैं सर मेरा फिजिक्स बहुत पुअर है, सर कुछ भी नहीं बनता, भूल जाओ आप, सब कुछ बनेगा, सिर्फ आपको मेरी बातों को मानना है, वो भी स्टेप बाय स्टेप बात को मानना है, दैट मीन्स किसके बाद में क्या करने बोल रहा हूँ। तो चलिए ये 5 टॉपिक को अपन स्ट्रांग करते हैं, फिजिक्स हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, कहीं भी आपको दिक्कत होता है सब सॉल्व हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बीजगणित।
बीजगणित आपका जाना पहचाना मैथमेटिक्स है, बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, फार्मूले आप जानते हैं। मैं कुछ नया जो आपको बताऊंगा वो मैं अभी डिस्कस करूं आपसे। देखो बीजगणित में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये है इसमें फार्मूला, इसके सूत्र। बीजगणित के जो सूत्र हैं जो करीब 12-13 फार्मूला हैं, और ये 12-13 फार्मूला आपको कहीं भी मिलेगा, लेकिन आप कहाँ खोजते रहोगे तो मैं अभी आपको अपने वीडियो पर ही अपने बोर्ड पर आपको PDF मैं आपको यहीं पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो पहला फार्मूला जो बिल्कुल मैं अभी यहीं पर आपको दिला दूंगा, वीडियो में आपको मिल जाएगा, वीडियो में डाल दूंगा, यहीं पर आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप उसको देख लेंगे और यहीं से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फार्मूला जैसे किस तरह के फार्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये सब आप जानते हो मुझे पता है, लेकिन एक बार रिवीजन करना है। और कुछ नए फार्मूले भी इसमें मिलेंगे जिनको आपको मेरे यहाँ पर जो मैं आपको दूंगा बोर्ड में वहाँ से आप नोट कर लेंगे, क्लियर। तो पहला काम क्या मैंने बताया, फार्मूला। ये फार्मूला कहीं पर भी यूज़ होते रहता है, ये फार्मूला आपको अच्छे से तैयार करना है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ये फार्मूला के बाद जो नया चीज़ हमको बीजगणित में पढ़ना है वो है द्विपद प्रमेय। और ये आपके लिए नया चीज़ है, इसका नाम आप 10th क्लास पढ़ते तक सुने भी नहीं रहते। जिन लोग 12th क्लास में पहुंच गए हैं और मैथमेटिक्स वाले हैं उन लोग 11वीं क्लास के मैथ्स में पढ़े हैं, लेकिन मैं हमेशा इस टॉपिक को पढ़ाता हूं तो मेरे ध्यान में मैथ्स के स्टूडेंट नहीं रहते। मैं एनी टाइम अपने ध्यान में बायो के स्टूडेंट्स लोग को ध्यान में रखता हूँ और उनको ध्यान में रख के पढ़ाता हूँ, तभी मैं उसको अच्छे से बता पाऊँगा। क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट को ध्यान में रखूँगा तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, ये तो मैथ्स में पढ़ लेंगे, तो मैथ्स में पढ़ लेंगे, तो मैथ्स में पढ़े होंगे, बायो वाले कैसे करेंगे। इसलिए मेरा पूरा फोकस उन स्टूडेंट्स पर होता है जो बायो लिए हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैथमेटिक्स का सभी स्टूडेंट्स को जानते हैं, वो भी नहीं जानते, इसलिए पढ़ना सबको है, ठीक है। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं द्विपद प्रमेय। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन लोग हिंदी मीडियम के हैं और इंग्लिश मीडियम में मेरे वीडियो देख के समझे हैं, समझने का प्रयास किए, बहुत अच्छी बात है, उनका रिवीजन हो जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम, ये एक ऐसा थ्योरम है जो फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम। अब ये है क्या, सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करें कि भाई द्विपद प्रमेय होता क्या है। तो यहां पर आप देखो मैं कुछ फार्मूले यहां पर लिख रहा हूं, जैसे मैं यहां पर एक फार्मूला लिखा a प्लस बी का पूर्ण वर्ग होल स्क्वायर, तो इसको विस्तार लिखूंगा तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखूंगा, और यहां पर मैं लिख दूं a प्लस बी का घात तीन तो ये लिखूंगा a क्यूब a का घात तीन धन थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये लिखूंगा मैं, क्लियर यहां तक। ये फार्मूला निश्चित रूप से आप सबको याद है, मुझे पता है। इस फार्मूला पर मैं कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ, इस पर कुछ मैं डिस्कस करूँ आपसे, कुछ ऑब्जर्व करें इसमें। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने पहले ऑब्जर्व किया होगा या नहीं भी किया होगा कि आपने सीधा रट्टा मार लिया फार्मूला का। ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, हमारा सब्जेक्ट क्या है, चीज़ों को आप सूक्ष्मता से देखो। यदि चीज़ों को आपको समझना है तो पहले आपके अंदर जो प्रॉपर्टी डेवलप होनी चाहिए कि चीज़ों को सूक्ष्मता से देखो। अब मैं यहाँ आपको सूक्ष्मता से दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर a प्लस बी कितने पद हैं, दो पद, प्रथम पद दूसरा पद, यहाँ पर भी क्या है, पहला पद दूसरा पद, इसको x y भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इसीलिए यह है द्विपद प्रमेय, द्विपद माने दो पद, यहाँ पर दो पद है, एक दो एक दो। अब यहाँ पर आप खास बात देखे होंगे, देख या मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर घात दो है, a धन b का घात दो है, और a धन b का घात दो का जब विस्तार हुआ तो कुल कितने पद आए, यहाँ तीन पद आए, एक पद ये, एक पद ये और एक पद ये, इस प्रकार से यहाँ पर तीन पद हमको प्राप्त हुआ, क्लियर। जब घात इसका तीन था तो कितने पद मिले, एक दो तीन और चार, चार पद मिले। अब यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि आपने घात दो को रट लिया, घात तीन को रट लिया, घात चार को भी रट लिया, पाँच को भी रट लिया, छः सात आठ नौ दस बीस पचास सौ, कितने घात को आप रटेंगे इसका। दो से काम तो आपको चल गया, लेकिन कहीं पर यदि उसके उच्चतम घातों का ज़रूरत पड़े तो सबको तो हम नहीं रट सकते।
इसलिए इस बात को विस्तार देने के लिए, विस्तृत करने के लिए, जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन है a प्लस बी का घात 6, अब इसका सूत्र आप बताओ सर करके आप कहीं मेरे से पूछ दिए, 2 बता दिए, 3 बता दिए, अब 6 का बताओ बोल दिए मान लो, तो 6 तो मैं रट के रखा नहीं हूँ तो नहीं बता सकता। इसी समस्या को हल करने के लिए द्विपद प्रमेय बनाया गया, क्लियर। अब जैसे मुझे द्विपद प्रमेय याद है तो अभी मैं a प्लस बी के घात 6 को विस्तार कर दूंगा, जो घात बोलोग उसको कर दूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे द्विपद प्रमेय तैयार है और उसी प्रमेय को हमको यहाँ पर समझना है। तो उसको समझने से पहले जो जो बातें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझना। पहली बात क्या बताया कि घात में जितना होता है उसके विस्तार में उससे एक अधिक पद मिलता है, मतलब यदि मैं इसका विस्तार करूँगा तो एक बात तो पक्का है कि घात 6 है तो पद कितने आएंगे? 7 आएंगे। तो एक हमको नया ज्ञान मिल गया कि दो पदों के विस्तार में जो घात होता है हमको घात से एक पद ज़्यादा मिलता है, क्लियर। दूसरी देखो, अभी a धन b का घात 6 आप में से किसी को याद नहीं होगा शायद, और मुझे भी याद नहीं है, लेकिन अभी मैं उसको केवल एक टेक्निक से अभी याद करा दूंगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर आप देखो a का घात, यदि मैं a से स्टार्ट करूँ, ये पहला पद है और मैं a से स्टार्ट करूँ तो जब इसका विस्तार हुआ तो a का घात कितना आया? 2 आया। ये देखो a का घात कितना आया? 2, क्योंकि यहाँ पर a का घात 2 है। इसको आप देखो a का घात यहाँ पर कितना है? 3। तो विस्तार का शुरुआत कहाँ से हुआ? a का घात 3 से इसका विस्तार शुरू हुआ। तो यहाँ पर a का घात कितने से विस्तार शुरू होगा? यहाँ पर इसका विस्तार शुरू होगा कितना? a का घात 6 से शुरू होगा। देखो ऐसे पता चल गया अपने को, क्लियर। और आगे क्या होता है? आगे a के साथ क्या होता है ध्यान देना, a के साथ आगे क्या होता है? a का घात यहाँ पर 2 है, अब यहाँ पर a का घात 1 हो गया और यहाँ पर a गायब हो गया, माने a का घात 0 हो गया, क्योंकि a का घात 0 मतलब 1, और 1 का गुणा हम कभी भी कर सकते हैं। तो a का घात क्या होते गया? 2 हुआ, 1 हुआ और 0 हो गया। यहाँ पर भी आप देखो क्या हो रहा है, a के घात के साथ में 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ और 0 हो गया। तो भाई एक नया ज्ञान और अपने को मिल गया, क्या? कि पहला पद अपने घात से शुरू होता है, मतलब जो उसमें लगा रहता है उसके घात से शुरू होता है और अपने घात को एक एक कम करते जाता है, 2 1 0, 3 2 1 0, क्लियर। तो यहाँ पर अब मैं एक घात को भी, अब बी पर भी चर्चा कर लें, फिर एक साथ काम करेंगे। बी के साथ क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर बी का घात कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 0 है। फिर बी का घात कितना हुआ? 1 हुआ। फिर बी का घात कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ पर देखो b का घात कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 0 है पहले पद में, जिसको लिखना जरूरी नहीं है, समझाने के लिख रहा हूँ। 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, मतलब ये उल्टा काम कर रहा है। ये मेरे तर्क को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि द्विपद प्रमेय समझने का सबसे बड़ा बेस यही। इतने देर में आपको मैं द्विपद प्रमेय पढ़ा चुके रहता लेकिन सिर्फ रटवाता, मैं द्विपद प्रमेय रटवा नहीं रहा हूँ, मैं द्विपद प्रमेय का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, थोड़ा बात को समझना, उसके बाद आपको लाइफ टाइम इसको नहीं भूलोगे आप। तो क्या क्या हुआ यहाँ पर? a का घात एक एक घटते गया और b का घात एक एक बढ़ते गया। यही चीज़ मैं यदि यहाँ पर अप्लाई कर दूँ, अभी तक हम लोगों को a धन b के घात 6 का किसी को फार्मूला याद नहीं है, ना मुझे ना आपको, लेकिन थोड़ी देर में हम लोग उसके पूरे घात के 6 को विस्तार को लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे? देखो ये हो गया a का घात 6, a का घात 6 के बाद में a का घात 1 घटता है, देखो 2 से कितना हुआ था? 1, तो 1 घटा दिया कितना हो जाएगा? 5। अब b का घात यहाँ 0 था, 0 से शुरू हो जाएगा 1, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, धन। अब a का घात 5 से घट के 4, b का घात 2, b एक एक बढ़ते जा रहा है और a एक एक घटते जा रहा है, और प्लस a का घात 3 और b का घात भी 3, धन a का घात 2 b का घात 4 और धन a b का घात 5 और धन a का घात 0 और b का घात 6। इसको लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन मैंने लिख दिया, चलो इसको हटा दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखो अभी तक हम लोग को इसका सूत्र याद नहीं था, a धन b का घात 6 का विस्तार लिखो बोले तो हमारा होश उड़ गया, लेकिन सिर्फ हमने आपके याद किए हुए फार्मूले पर ही डिस्कस किया और इस फार्मूला को डिस्कस करने के बाद ही हमने बता दिया
इसका इतना पोर्शन। ये है फार्मूला पर छिपा हुआ तर्क, फार्मूला पर छिपा हुआ कॉन्सेप्ट, जिसको हमको रटने के बजाय जब स्टार्टिंग में ये पढ़ते हैं तो इतना डिस्कस करना चाहिए उसके बिहेवियर को कि भाई उसके साथ हो क्या रहा है। ठीक है, जो भी है हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप अब एक अधूरापन इसमें आपको लग रहा होगा क्या, कि इसके सामने में जो गुणांक हैं, जैसे यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर तीन है, तो इन लोग के भाई सामने में भी तो कुछ कुछ गुणांक आएगा, जिसके लिए मैं देखो जगह छोड़ के रखा हूँ जानबूझकर कि मुझे इसके सामने कुछ लिखना है। तो वो गुणांक कहाँ से आते हैं, तो इस गुणांक को समझने के लिए हमको यहाँ पर एक नया मैथमेटिक्स समझना पड़ेगा, और उस मैथमेटिक्स को हम बोलते हैं संचय। ये नया चीज़ है, आप थोड़ा ध्यान समझना, मैथ्स के स्टूडेंट लोग इलेवंथ में पढ़ते हैं और आपको भी यहाँ पर पढ़ना है संचय, और इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन। संचय कॉम्बिनेशन, इस मैथ पर मैं आपको थोड़ी बात कर लूं, फिर अपन वापस अपने द्विपद प्रमेय पर वापस आएंगे। पहले पर इस प्रमेय पर बात करूं, इस फार्मूला पर, कॉम्बिनेशन संचय एक गणित है, उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा इसका फार्मूला देखो NCR, इसको बोलते हैं एन सी फॉर कॉम्बिनेशन, NCR शॉर्ट में लिखते हैं। एन थोड़ा बाएं तरफ होता है और आर थोड़ा सा इसके नीचे में दाएं तरफ होता है, और इसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर और इनटू फैक्टोरियल आर। क्लियर, देखो यहाँ पर फैक्टोरियल आप लोग के लिए नया वर्ड हो गया है ना, ये जो संकेत आप देख रहे हैं इसको हम फैक्टोरियल कहते हैं। तो मैं पहले आपको समझा दूँ फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल है क्या, इंग्लिश में फैक्टोरियल कहते हैं और हिंदी में भी इसको फैक्टोरियल ही कहोगे आप लोग। फैक्टोरियल एक संकेत है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, फैक्टोरियल के दो संकेत होते हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिखा हूँ ये, इसको हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल एन, या इसको हम इस प्रकार से भी पढ़ते हैं ऐसा। क्लियर, ये कहलाता है फैक्टोरियल एन। तो जनरली हम इस साइन का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इस साइन का यूज़ करने से कई बार प्रॉब्लम हो जाते हैं, अपन डॉट लगाना भूल जाते हैं और वो फिर दूसरा कन्फ्यूज़न हो जाता है। जैसे मैं कहीं पर फैक्टोरियल फोर लिखा हूँ, ऐसा लिख दिया डॉट नहीं लगा तो कोई उसको 41 पढ़ने लगेगा, तो हम ये वाला सिंबल को यूज़ करेंगे, ध्यान रखना, और होते दोनों हैं। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल को हम सॉल्व किस तरह से करते हैं, देखिए ये 5 जब फैक्टोरियल से बाहर आएगा, ये फैक्टोरियल से बाहर आएगा, तो ये फैक्टोरियल का रूल कहता है कि फैक्टोरियल के अंदर उसमें एक घट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 5 - 1, मतलब इसको लिख सकते हैं हम 5 - 4, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन शुरुआत में आपको समझा रहा हूँ तो घटा के बता रहा हूँ मैं। ठीक है, दैट इक्वल, आगे हम उसको और सॉल्व करें, मैं 4 को भी बाहर निकालता हूँ तो अंदर बन जाएगा फैक्टोरियल 3, अब मैं 3 को भी बाहर निकालना चाहता हूँ तो 5 - 4 - 3 अंदर बन जाएगा फैक्टोरियल 2, मतलब जो नंबर बाहर आएगा उसमें अंदर में एक माइनस हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व कर दें तो 5 - 4 - 3, ये डेसिमल नहीं है ना, इंटू है ध्यान रखना, 2 - अब 2 को बाहर कर लिया तो अंदर बच गया फैक्टोरियल 1, दैट इक्वल टू 5 - 4 - 3 - 2, 1 को बाहर कर लिया तो अंदर फैक्टोरियल 0 बच जाएगा। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखना, वो है कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, ये आप ध्यान रखना, फैक्टोरियल 0 1 होता है। इस तरह से लास्ट में 1 हो जाएगा और हम फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 - 4 - 3 - 2 - 1, ये हो गया। मतलब यहाँ पर आपको सीधा समझ में आ गया होगा कि किसी भी फैक्टोरियल को जब हम सॉल्व करते हैं तो वह अपने से स्टार्ट होकर एक एक घटते घटते 1 तक जाके मल्टीप्लाई होता है। इस तरह से यदि हम फैक्टोरियल n को सॉल्व करें, फैक्टोरियल n को, तो कैसे लिख सकते हैं, n बाहर करूँगा तो n - 1, फिर n - 1 को बाहर करूँगा तो n - 2, और इसको हम कंप्लीट आगे सॉल्व कर दें तो 3, 2, 1 यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा, ऐसा हम फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं। तो ये वाला पोर्शन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसके बाद मैं आपको कुछ नई बात बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल थ्योरम, और संचय हम क्यों पढ़ रहे हैं ये आपको आगे हम बताएंगे। क्लियर, ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसमें क्या अधूरा है, मैंने बताया था कि इसके जो गुणांक आते हैं, जैसे 2 आया 3 आया, यहाँ पर नहीं लिखा है वो गुणांक बनते कैसे हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना, जैसे पहले नंबर में जो गुणांक है, फर्स्ट नंबर में,
तो पहले नंबर में कुछ गुणांक लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी नहीं होता है, तो मैं लिखा हूँ यहाँ पर। ये यहाँ से शुरू करोगे आप और ये शुरू होगा, इसका नंबर से शुरू होगा 6C1, ये होगा 6C1। पहले नंबर में क्या होगा, 6, यहाँ 6C0 होता है जिसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो 6C1 होगा, इसके नाम सामने होगा 6C2, इसके सामने होगा 6C3, यहाँ पर होगा 6C4, यहाँ पर 6C5, यहाँ पर 6C6 होगा, जिसको लिखने जरूरत नहीं, उसका मान 1 होता है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। अब ये यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है एक्चुअल में a प्लस बी के घात 6 का पूरा विस्तार है, लेकिन अब आप सोचोगे कि सर इसमें तो ये सब 6C1, 6C2, 6C3 आया है, इसका क्या करें, इसको मैं आगे आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। अब देखो ये वाला पोर्शन मैं इरेज कर रहा हूँ ना। अब द्विपद प्रमेय का जो मूल रूप होता है, द्विपद प्रमेय जिस रूप में होता है उस रूप में हम आते हैं। देखिए जब द्विपद प्रमेय स्टूडेंट स्टार्टिंग में सीखता है और ये सारी बातें जब हम डिटेल में बताते हैं तो बहुत से स्टूडेंट को अजीब लगता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, लेकिन लास्ट में आपको समझ में आएगा क्या पढ़ रहे हैं। बाद में मैं उसको फिजिक्स में एप्लीकेशन बताऊंगा डायरेक्ट आपको। अब यहाँ पर पावर 2 था, पावर 3 था, पावर 6 था, ये पावर कहाँ तक जा सकता है, पावर n तक जा सकता है, जहाँ पर n क्या है, कोई भी प्राकृतिक संख्या है। तो सपोज हम इसको मिस लिए इस तरह से लिख लें a प्लस बी या x प्लस वाई का पावर n, तो कैसे शुरुआत होगा, पहले नंबर का पावर ये होता है, देखो यहाँ पहले नंबर पावर 6, यहाँ पहले का 3, यहाँ पहले का 2, तो यहाँ पर हो जाएगा a^n प्लस प्लस, आगे क्या मैं बताया कि यहाँ से स्टार्ट होगा nc1 और इनटू, यहाँ पर आपको मैं अच्छा याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कि nc1 है तो आगे जो a का घात होगा इसमें से इसको माइनस कर दो, माने हो जाएगा n-1 और इनटू, अब दूसरा पद यहाँ पर आ जाएगा b, क्योंकि यहाँ b का घात 0 है, अब b का घात 1 हो जाएगा। यही बात मैंने इसके विस्तार में आपको समझाया था। आगे हम इसको और लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, nc2 इंटू ए टू दी पावर, अब n में -2 और a का घात b का घात क्या जाएगा 2, क्योंकि b का घात 1 था, अब 2 होगा और 3 होगा प्लस n सो मान, इसी तरह से हम करते जाएं तो लास्ट जो पद होगा ncn इंटू ए टू दी पावर n-n इंटू b टू दी पावर n। और यहाँ पर आप देखो कि एन सी एन को लिखने की जरूरत नहीं, इसका मान 1 होता है, ए का घात n-n माने 0, ये भी 1 हो जाएगा, तो लास्ट में हम सीधा लिख देते हैं प्लस b टू दी पावर n। और देखो यहाँ पर आप पहला पद a टू दी पावर 2, आखिरी पद b टू दी पावर 2, पहला पद a का घात 3, यहाँ पर b का घात, पहला पद a का घात n, यहाँ पर b का घात n। तो ये मैं जो ऊपर लिखा हुआ हूँ, ये जो मैं ऊपर लिखा हूँ वास्तव में वही द्विपद प्रमेय है, यही है द्विपद प्रमेय जो यहाँ पर लिखा गया है। ये b टू दी पावर n को मैं समझाने के लिए लिखा था, उसको एक ही लाइन में लास्ट में लिख दूं मैं यहाँ पर प्लस b टू दी पावर n एंड सो ऑन। ये है द्विपद प्रमेय, कभी भी आपको बोला जाए द्विपद प्रमेय क्या है तो आप उसको इस रूप में लिखोगे, यह द्विपद प्रमेय है। लेकिन अब इसका हम सरल रूप देखते हैं कि इसको सरलीकरण करके हम कैसे लिख सकते हैं। तो सरलीकरण करें इसका, दैट इम्प्लाइज ए प्लस बी, मतलब कॉम्बिनेशन के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, ए का घात एन प्लस एन सी वन को लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल एन माइनस आर। फार्मूला जो भी बताया था मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, आपको याद नहीं हुआ होगा तो एन सी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। तो यहाँ पर फैक्टोरियल एन और आर का मान यहाँ पर क्या है, एक, आर का मान एक है, तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1, जिसको हमको लिखने की जरूरत नहीं है, फैक्टोरियल 1 होता है, ये हो जाएगा a टू दी पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस, अब nc2 के लिखे तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपान n माइनस आर, आर का मान 2 है तो फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल r मतलब 2 और प्लस, सॉरी यहाँ पर इसका पावर भी लिखेंगे, a का पावर n माइनस 2 b का घात 2 प्लस n सो ऑन b टू दी पावर n। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ये हो गया इसका विस्तार वाला रूप। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि फैक्टोरियल को आप सॉल्व कैसे करोगे। अब आपको एक नया क्वेश्चन लग रहा होगा कि भाई हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इनको मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे मुझे सॉल्व करना है NC1 को, जो मैंने ये लिखा है, तो NCR के फार्मूला से क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल n माइनस r, मतलब फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू 1। अब जब इसको मेरे को हल करना होगा, ये तो सूत्र रूप है और सूत्र रूप में तो काम चलेगा नहीं, उसको हमको सरल करना पड़ेगा। तो सरल कैसे करेंगे, यहीं पर थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पर है n माइनस 1, तो अंश को हम हल करते हैं और अंश में से n को मैं बाहर निकाल लूँ तो अंदर बचेगा n माइनस 1, और जैसे n माइनस 1 होगा तो नीचे में भी n माइनस 1 है, यहाँ हम विस्तार को रोक देंगे तो फैक्टोरियल n माइनस 1 और 1 तो 1 ही है, ये दोनों कट जाएंगे, क्या मिल जाएगा n। कहने का मतलब हमको क्या मिला, NC1 का मान क्या हो गया, n हो गया, क्लियर। तो NC1 को हम n लिख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर ये जो मैं राउंड में घेरा हुआ हूँ रेडिंग से, उसको हम n भी लिख सकते हैं। NC2 मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। NC2 तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपान इसमें 2 माइनस हो जाएगा, तो फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा फार्मूला से। अब इसको मैं हल करूँ तो n को एक बार निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा, n माइनस 1, लेकिन नीचे में n माइनस 2 है तो एक बार और बाहर निकालो उसको, तो एक बार और मैं बाहर निकाल दिया। कितने बार बाहर निकालेंगे, जब तक नीचे वाला कट ना जाए। अब कटने का पोजीशन आ गया तो फैक्टोरियल n माइनस 2 ये हो गया, और अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 और इनटू फैक्टोरियल 2, ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पर बच जाएगा n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, जो कि यहाँ पर इसको सॉल्व करने से आएगा, सॉरी यहाँ पर n 2 रहेगा ना, मैं फार्मूला के धोखे में लिख डाला, क्योंकि r का मान यहाँ पर 2 है तो 2 है। देखो ये जो है ये इसको आगे और हम सॉल्व करेंगे तो n माइनस 2 इससे कट के आगे आ जाएगा। तो ये NC1, NC2, NC3 को इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने आपको उसको सॉल्व करना सिखाया। अब इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर दें तो अगला फार्मूला हमारा किस रूप में आ जाएगा, देखो दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा a+b^n = a^n+। इसको मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके क्या बताया, n, तो अब इसको लिख सकते हैं n(a^n-1)(b+) इसको मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताया NC2 के मान को, तो कितना आया, ये आया, ये हो जाएगा n(n-1) अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू a^n-2 इंटू b^2 प्लस n+b^n। और अब जो यहाँ पर लिखा है, अब ये जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ यही क्या है, बाइनोमियल थ्योरम का सरल रूप है। तो बाइनोमियल थ्योरम का 2 रूप बताया, ये मैं संचय वाला रूप बताया और ये इसका सरलतम रूप है। आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो राइटर सीधा इसको या इसको लिख दिए रहते हैं, यह द्विपद प्रमेय है करके। तो यहाँ तक आपको देखिए, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से। अभी तो मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन इसका आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, क्लियर। मेरे क्लास को पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस जरूर करना, अदरवाइज फिर आपको समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो द्विपद प्रमेय हम पढ़े हैं उस हिसाब से ये जो मैं विस्तार यहाँ पर लिखा हूँ a+b^6 का, उसको हम बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा। ये वाला पोर्शन को मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे ज़रूरत है इसको सॉल्व करने का। अब यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, देखिए दैट इक्वल a^6 + 6c1। चलिए मैं आपको बताता हूँ 6c1 कैसे सॉल्व होगा। देखिए वो कैसे सॉल्व होगा, 6c1, यहाँ से आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फार्मूला होता है फैक्टोरियल n, मतलब फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, माने फैक्टोरियल 6-1 इंटू फैक्टोरियल 1, ये हुआ। अब ये 5 हो जाएगा, इसको 6 को बाहर करूँगा तो 6 × 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू 1, ये दोनों कट गया, कितना आ गया 6। तो 6c1 का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। तो इसके मान को अब यहाँ पर मैं भर दिया 6 × a^5 × b+। अब हम सॉल्व करेंगे 6c2, यहीं पर मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। देखिए 6c2 लिख दिया तो -2 होगा। अब -2 जब होगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 6 को 2 बार बाहर करो, 6 बाहर करो, 5 मान बाहर करो तो फैक्टोरियल 2 4 बचेगा और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4, ये दोनों कट जाएंगे तो 6 × 5 कितना हो जाएगा 30, ये हो गया 30।
तो इसका मान कितना हो गया 30, 6C2 का मान हो गया 30 इंटू ए टू दी पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब हम देखते हैं 6C3, 6C3 कैसे सॉल्व होगा, यहाँ से आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया है, ध्यान देना ना। 6C3 कैसे लिखोगे, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6 माइनस 3 मतलब 3 और ये वाला 3 3, अब 6 को आप इतने बार बाहर निकालो कि अंदर में फैक्टोरियल 3 बचे, 6 बाहर निकाले, 5 बाहर निकाले, 4 बाहर निकाले, तो बचा क्या फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 3 हो गया, और 3 को लिख सकते हैं अपन 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 3 3 कट गया, दैट इक्वल इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 तो 5 दूनी 10 दूनी 20, मतलब इसका मान कितना आ गया 20। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब 6C3 का वैल्यू कितना होगा 20 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 20, ये 6C3 का वैल्यू है 20 ए टू दी पावर 3 बी टू दी पावर 3 प्लस 6C4, अब हम सॉल्व करेंगे 6C4, सबको सॉल्व करके बता रहा हूँ, इससे पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप फिर नया क्वेश्चन लेके आप अपने घर में बना सकते हो। 6C4 तो हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपान 6 में 4 माइनस होगा तो फैक्टोरियल 2 और ये फैक्टोरियल 4, अब इसको हमको कटाना है, ये बड़ा नंबर ये है तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, तो 6 इंटू 5 बाहर किए फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 को 2 लिख सकते हैं, इंटू फैक्टोरियल 4 कट गया, ये हो गया 2 3 6 तो 5 3 15 कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 15, मतलब आगे की लाइन में क्या लिख दूं मैं 6C4 को ना, 15 इंटू ए स्क्वायर बी टू दी पावर 4 प्लस, अब हम किसको निकाल लें 6C5, तो 6C5 निकालेंगे, आसान है देखो यहाँ पर 6C5 निकालेंगे तो फैक्टोरियल 6 6 माइनस 5 ये 1 हो गया, फैक्टोरियल 5 इसको 6 को बाहर किया फैक्टोरियल 5 के साथ में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 6, तो ये लास्ट नंबर हमारा हो जाएगा 6 जो यहाँ पर आया था, तो 6 इंटू ए टू दी पावर ए इंटू बी टू दी पावर 5 और प्लस बी टू दी पावर 6, ये हमारा विस्तार हो गया, जो अभी तक हम इसको रटे नहीं, हम समझे और बना दिए। अब यहाँ पर देखो पदों को गिनो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, घात 6 है तो पदों के विस्तार में कितना आया 7 पद आया, 1 घात 6 5 4 3 2 1 0, बी का घात 0 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से हम इसके विस्तार को तर्कों से लिख लिए, यही कहलाता है द्विपद प्रमेय। लेकिन निश्चित रूप से इतना पढ़ने के बाद आप लोग के दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसको फिजिक्स में क्या करेंगे, नेचुरली मैथमेटिक्स में जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे चर्चा किया कि भाई मान लो मेरे पास एक स्क्रू ड्राइवर है, लेकिन यदि स्क्रू ड्राइवर को मुझे यूज नहीं करना था, देखो यहाँ पर दो बात है ध्यान समझना, टूल्स होना और उसको यूज नहीं करने आना अलग समस्या है, और एक समस्या क्या है कि यूज करना आता है टूल्स नहीं, दोनों समस्या है, सही क्या है टूल्स भी होना यूज भी करना आना चाहिए, क्योंकि मेरे पास स्क्रू ड्राइवर है तो मैं उसको उपयोग भी तो कर सकूँ ना, तो ये टूल्स तो मैं समझा दिया, अब यहाँ सवाल उठता है कि हम इसको फिजिक्स में यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि हम फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि अब मैं पूरा इसको इरेज कर दूंगा, क्लियर, देख लीजिए हो गया। चलिए अब आगे अपन देखें कि भाई हम बाइनोमियल थ्योरम को फिजिक्स में यूज, अब ये मजेदार बात है कि जो कुछ भी हम यहाँ पर पढ़े हैं उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे यूज करेंगे, तो यूज करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक से समझा दूं, ये तो मैंने बाइनोमियल थ्योरम को आपको बहुत डिटेल में समझाया, इससे ज़्यादा आपको इसको जानने का जरूरत नहीं है, जिन लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं इस नॉलेज को आप मैथमेटिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, वैसे मैथ्स में भी जब मैं 11th क्लास में आपको पढ़ाऊंगा द्विपद प्रमेय तो उसको मैथ्स के अंदाज में पढ़ाऊंगा, ठीक है, यहाँ मैं इसको फिजिक्स के अंदाज में पढ़ा रहा हूँ कि फिजिक्स में कैसे यूज करना है। देखिए बाइनोमियल थ्योरम का यूज इन फिजिक्स लिख रहा हूँ, यूज इन फिजिक्स आप हिंदी में लिख लेना, भौतिकी में उपयोग लिख लेना आप लोग उसको, यूज इन फिजिक्स। अब मैं बता रहा हूँ कि बाइनोमियल थ्योरम ज़्यादातर फिजिक्स में किस तरीके से यूज होता है, किस फॉर्म में यूज होता है, तो उसके लिए एक स्पेशल केस है, इसको हम कह सकते हैं स्पेशल केस, यह एक बाइनोमियल थ्योरम का स्पेशल केस है,
और ये 100% फिजिक्स में ऐसा ही यूज होगा। अब यहाँ पर मैं एक बात बोल दूँ, वैसे शुरू से मैं ये चीज़ बता देता तो आप चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। यदि कोई स्टूडेंट एवरेज, देखो हर स्टूडेंट का अपना एक अलग स्टैंडर्ड है, यदि कोई स्टूडेंट एवरेज है, पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है, मैथमेटिक्स उसको बहुत कठिन लगता है, तो अभी जितना मैं बायनोमियल थ्योरम बताया, द्विपद में पढ़ाया, यदि वो उसको अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो अब जो बात बता रहा हूँ उसको करके वो पूरा काम चला लेगा, इससे काम उसका चल जाएगा। लेकिन पूरा जानकारी देखो, मेरा तो, मैं भाई टीचर हूँ, मेरा काम तो हर कैटेगरी के स्टूडेंट को ध्यान में रख के पढ़ाना है, तो मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया। लेकिन अब मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जिनको बहुत डिफिकल्ट लगे वो इसको ध्यान से समझना, और इस बेस पर आपका 100% काम चल जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 100%। तो है क्या स्पेशल केस, देखो स्पेशल केस ये है कि आपका पहला पद एक हो, ध्यान देना यही सबसे ज़्यादा यूज होगा, पहला पद एक होना चाहिए, और इसका जो दूसरा पद है वो भिन्न रूप में होना चाहिए, मतलब x बटे वाई या a बटे बी कुछ भी, और इसका घात है n। इस रूप में यदि आपका द्विपद प्रमेय हो और यहाँ पर एक कंडीशन हो कि यहाँ जो अंश है मतलब x, वो क्या है, बहुत छोटा हो y से। कई बार मैंने छोटा का निशान लगाया, मतलब बहुत छोटा हो, ये शर्त जरूरी, देखो ये शर्त है ना, ये शर्त यदि नहीं रहेगा तो ये, इसीलिए मैं बोला स्पेशल केस, और यही 100% फिजिक्स में। तो होता क्या है, अब n का घात यहाँ पर मान लो कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, n का घात प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, यहाँ भी प्लस माइनस हो सकता है। ऐसा मत समझना कि सर तो प्लस लिखे थे तो प्लस में ही लागू होगा, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और n का घात भी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। और ऐसा केस हो, फर्स्ट टर्म्स पहला पद एक हो, दूसरा पद भिन्न के रूप में हो, जिसमें या दशमलव, दशमलव तो भिन्न ही होता है, तो x क्या हो, y से छोटा हो, तो इस कंडीशन में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वन प्लस माइनस, यहाँ पर क्या होता है इस केस में, ये जो प्लस माइनस n है वो सामने आके गुणा हो जाता है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा वन प्लस माइनस n x अपान y, ये इसका हल हो जाता है एक लाइन में, ये है इसका स्पेशल केस। अब मैं बता दूं इसके कुछ एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल भी ना आप इसको नहीं समझोगे कि भाई कैसे यूज होगा। एक बार इसको रिपीट करूं, पहला पद एक होना चाहिए, क्लियर, दूसरा पद भिन्न के रूप में होना चाहिए, ये भिन्न के रूप में रहे, और उस भिन्न में भी अंश हर से बहुत छोटा हो, तो इसका हल ये होता है, ये आपको याद करना है। अब देखो मैं एक उदाहरण बताऊँ, सपोज मैं कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना रहा हूँ, और उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मान लो मेरे को मिल गया 99/100, और इसका पावर मान लो 5 मिल गया है। ये बहुत फेमस एग्जांपल, हमेशा मैं इसको स्टूडेंट को समझाता हूँ, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। मान लो 99/100 का घात 5 है। अब हमको कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं है, कैलकुलेटर अलाउ होता नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं अपन। अब इसको हल करना है तो इस बहुत कठिन काम हो गया। कैसे, 99 को 5 बार गुणा करोगे, 100 को 5 बार गुणा करोगे, कितना कटाओगे, कितना हो गया काम, काम ख़त्म यहाँ पर आपका। यानी 99 में 100 को भाग देके आप 0.99 लिखेंगे, फिर 0.99 का 5 बार गुणा, कठिन है निश्चित रूप से। तो द्विपद प्रमेय इस काम को बहुत आसान कर देगा। कैसे कर देगा, देखियो, इसको मैं लिख सकता हूँ 1-1/100, मतलब इसको मैं ले आया द्विपद प्रमेय के रूप में। 99 की उतना लिख सकते हैं कि नहीं, इतना समझ में आ गया होगा, लिख सकते हैं कैसे, यहाँ पर 100 जो है लघुत्तम आएगा, एलसीएम आएगा, 100 में एक घटेगा 99/100, क्लियर। अब देखो इससे मैच कराओ, अब हमारा जो कंडीशन है द्विपद प्रमेय के इस स्पेशल केस के फॉर्म में आ गया। कैसे आ गया, पहला पद एक है, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ माइनस है चलेगा, फिर भिन्न के रूप में होना चाहिए, फिर भिन्न है देखो, फिर मैंने क्या बोला कि अंश, माने अंश का मान कितना है, 1, हर से छोटा हो, एक 100 से बहुत छोटा होता है, और यहाँ पर कोई घात हो, यहाँ पर घात भी है प्लस में, पूरा बायनोमियल थ्योरम के फॉर्म में आ गए। अब इसमें क्या करेंगे, बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो जो मैं यहाँ टेक्निक बताया, 1 ये जो घात है यहाँ आके गुणा हो जाएगा, मतलब इस घात को हम यहाँ ला के गुणा कर देंगे। बिल्कुल जादू है बायनोमियल थ्योरम, इतना इम्पॉर्टेंट बायनोमियल थ्योरम का जो टेक्निक है कि आप पूछो मत, मैथमेटिक्स में यूज़ करना आना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1-, इसका सामने गुणा होगा तो 5/100 हो जाएगा, ये हो गया,
क्योंकि पाँच का आके एक के साथ में गुणा हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस पाँच में सौ का गुणा होगा तो 0.05 होगा, इतना तो आप कर सकते हो, पाँच में सौ का भाग होगा तो 0.05, और इसको वन में माइनस कर दें तो 0.95 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। ये इसमें दशमलव के दो स्थान तक आता है, दशमलव के आगे के स्थान इसमें नहीं आते और उसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सिग्निफिकेंट नंबर जो होता है सार्थक अंक के हिसाब से इतना हम साल्व करते हैं। जो काम असंभव दिख रहा था वो दो लाइन में साल्व हो गया। ये है बाइनोमियल थ्योरम का यूज। अब ये तो मैं आपको आंकिक प्रश्न में बताया, न्यूमेरिकल्स में, अब आपको इसको मैं फिजिक्स में ही इसका एप्लीकेशन बताता हूँ कि फिजिक्स में कैसे यूज होता है। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताता हूँ जो आपके फिजिक्स में ही आप उसको आगे यूज करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो ये मैं इरेज करूँगा, एक बार चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या समझ में आ गया होगा, वैसे आप वीडियो पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं। चलिए अब अपन इसका एग्जाम्पल देखते हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ जो आप गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर में पढ़ोगे, जब गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर पढ़ोगे तो इस जगह में आप पहुँचोगे। ये हमारा एग्जाम्पल है फिजिक्स से रिलेटेड, वहाँ पर आप पहुँचोगे तो आपको मिलेगा जी डैश अपान जी इक्वल टू आर स्क्वायर अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये आपको गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर में ये पद आप में पहुँचोगे और इस पद के बाद आपको इसको हल करना रहेगा। मैं सीधा उस स्टेप को बता रहा हूँ। देखो किसी बड़े फार्मूला का बीज का एक पद मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कहाँ पर यूज़ होगा। तो ये गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर में जब आप इस पद में पहुँचोगे इसको आपको हल करना होगा। तो कैसे हल करोगे, देखो दैट इम्प्लाइज जी डैश अपान जी इक्वल, अब यहाँ से क्या करेंगे आर स्क्वायर अपान, यहाँ से मैं r को कॉमन करूँगा तो r को कॉमन करूँगा तो स्क्वायर के साथ कॉमन हो जाएगा r स्क्वायर, और इसको कॉमन किया तो अंदर में दोनों के साथ भाग होगा तो हो जाएगा 1 प्लस एच अपान आर इसका घात 2। दैट इम्प्लाइज जी डैश अपान जी इक्वल, ये r स्क्वायर कट जाएगा, इसको ऊपर ले जाऊँ तो 1 प्लस एच अपान आर टू द पावर माइनस 2। दैट इम्प्लाइज जी डैश अपान जी इक्वल, अब यहाँ पर देखो द्विपद प्रमेय का कंडीशन आ गया। कैसे, पहला पद एक दूसरा पद भिन्न है और एच आर से बहुत छोटा है। उस चैप्टर में आप पढ़ोगे एच क्या होता है, ऊंचाई होता है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, और आर पृथ्वी की त्रिज्या है तो वो ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या के तुलना में बहुत छोटी होती है। तो हम यहाँ पर ये माइनस टू को सामने ला के मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 1-2h अपान r आ जाएगा। यहाँ पर हमने लगाया है द्विपद प्रमेय, यहाँ द्विपद प्रमेय लगाए। ये गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर में ये पद आएगा, अभी पढ़ाऊंगा तो एक बार आपको मैं याद दिलाऊंगा। तो यदि आपको द्विपद प्रमेय लगाना नहीं आता तो आप यहाँ पर द्विपद प्रमेय कैसे लगा सकेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर डिटेल कितना बताए शुरुआत में और तो सिर्फ ट्रिक ही यूज़ कर रहे हैं, तो एक्चुअल में उसी का ये शॉर्ट फॉर्म है। इसको विस्तार करेंगे तो और बहुत सारे पद आएंगे, लेकिन आपको द्विपद प्रमेय को डिटेल में जानना जरूरी है, ठीक है। अब चलिए इसमें मैं एक और एग्जांपल बता दूं आपको इसी से रिलेटेड। ये आप मैक्सवेल वोल्ट्जमैन कांस्टेंट जब पढ़ेंगे, आप जब टेम्परेचर ताप का चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत 11th क्लास के फिजिक्स का लास्ट क्लास का टॉपिक है, तो वहाँ पर एक पद आएगा, ये मैक्सवेल वोल्ट्जमैन का जो समीकरण है इक्वल टू सिग्मा, और अंदर आपको मिलेगा टी नाट प्लस स्मॉल टी का घात 4। ऐसे मैं आपको बहुत से एग्जांपल बता सकता हूँ, लेकिन कुछ एग्जांपल मैं फिजिक्स से बीच बीच से आपको बताते जा रहा हूँ। वैसे बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाते समय, मूलभूत गणितीय अवधारणा पढ़ाते समय मैं आपको हर फार्मूले का एप्लीकेशन बता सकता हूँ कि क्या टूल पढ़ा रहा हूँ वो कहाँ पर काम आएगा। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, सभी मैथमेटिक्स में बताऊँगा ताकि आपको समझ में आए कि कैसे यूज। अब ये पद आएगा, इसके बाद इसको हमको हल करना है, तो यहाँ द्विपद प्रमेय कैसे हल हो यूज होगा, देखो दैट इम्प्लाइज ई इक्वल टू सिग्मा। अब हम क्या किए, यहाँ से टी के घात, ये टी टू दी पावर टी नाट के घात 4 को अपन क्या किए, कॉमन किए, टी नाट टू दी पावर 4 कॉमन हुआ, तो दोनों में से कॉमन हुआ तो इसमें भाग हो जाएगा, ये हो गया 1, और इसमें भाग हो जाएगा तो प्लस टी अपन टी नाट टू दी पावर 4, और यह हो जाएगा -1 क्योंकि यहाँ से ये कॉमन हो गया। यहाँ तक क्लियर, ये टी नाट के घात 4 यहाँ से भी कॉमन लिया हमने इस पद से,
और यहाँ से भी तो यहाँ पर वन बचा। दैट इम्प्लाइज इसको हम सॉल्व करें तो ई इक्वल टू सिग्मा टी नॉट टू दी पावर फोर। अब यहाँ पर हम अब द्विपद प्रमेय लगा सकते हैं, कंडीशन आ गया देखो द्विपद प्रमेय का, पहला पद एक दूसरा पद भिन्न और ये घात, मतलब हर जगह हमको ये वाला सिचुएशन क्रिएट करना है और ये हमको अप्लाई करना है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, जो आगे आपको फिजिक्स में काम आएगा। मैं जानबूझ के आपके चैप्टर के ही पार्ट को ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए और उस दिन आपको उसका हेल्प भी मिले कि सर ने ऐसा बताया था। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन प्लस फोर का सामने आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फोर टी अपॉन टी नाट माइनस वन। दैट इम्प्लाइज ई इक्वल टू सिग्मा इंटू टी नाट टू दी पावर फोर। और आगे यदि हम इसको देखें तो वन माइनस वन के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा फोर टी अपॉन टी नाट। दैट इम्प्लाइज आगे हम इसको सॉल्व करें ए इक्वल टू ये एक टी नाट इसके साथ में कट जाएगा, यहाँ तीन बचेगा तो आसान है, फोर को सामने कर दिया, फोर सिग्मा टी नाट टू दी पावर थ्री इंटू स्मॉल टी, ये है इसका आंसर जो बाइनोमियल थ्योरम से बनेगा। क्लियर, ठीक। तो देखो यहाँ पर द्विपद प्रमेय यूज हुआ, यहाँ पर द्विपद प्रमेय यूज हुआ, ये है ये स्पेशल। और इतनी बात यदि आप सीख गए होंगे, ये जो मैं स्पेशल केस बताया, तो आपको बाइनोमियल थ्योरम में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे का काम है, आपके पास जो भी बुक है उसे आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यहाँ की प्रैक्टिस कराने का मतलब नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में यूज़ करना है। मैथ्स होता तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करा था, तो ये आप करिए। तो आज के क्लास में मैंने द्विपद प्रमेय कंप्लीट किया, आप इसको अच्छे से तैयार करिए। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके लेके आऊँगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में भी मैं कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो नाइन्थ क्लास में और टेंथ क्लास में पढ़ने के बाद आपको फिजिक्स के लिए ज़रूरत है। देखिए अभी एक बात मेरा ध्यान रखना कि अभी जो मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ ना, मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं उतना ही मैथ्स पढ़ाऊँगा जो फिजिक्स के लिए ज़रूरी है, और उसके बिना उसमें काम नहीं चलता। ओके, थैंक यू।